be sharp. नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। बुलेटिन में जानेंगे किस फसल के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और आगे किस ओर जा सकता है भाव। आज हम खास तौर पर बात करेंगे गेहूं, ग्वार, मूंगफली, लाल मिर्च और कैस्टर सीड की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गेहूं के निर्यात में आई तेजी, अप्रैल से जून तक 1,00,000 टन से ज्यादा गेहूं हुआ एक्सपोर्ट। ग्वार गम का निर्यात हुआ कम, 3 महीनों के दौरान 48% गिरा निर्यात। मूंगफली का निर्यात भी 21% हुआ कम, भाव पर पड़ सकता है कम निर्यात का असर। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे ग्वार का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं से। देश से गेहूं के निर्यात में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। अप्रैल से जून के दौरान देश से 1,00,000 टन से ज्यादा गेहूं का एक्सपोर्ट हुआ है। गेहूं की बंपर पैदावार की वजह से इस साल इसके भाव पर दबाव है, लेकिन इसके बढ़ते निर्यात से कुछ उम्मीद जताई जा रही है। इस साल गेहूं का निर्यात बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में गेहूं का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के मुताबिक सोमवार को उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में भाव शनिवार के स्तर 1,925 रुपए पर रहा। बलिया मंडी में सोमवार को भाव 1,930 रुपए रहा, जो शनिवार को 1,935 रुपए था, और सीतापुर मंडी में सोमवार को भाव 1,800 रुपए रहा, जो शनिवार को 1,910 रुपए था। गेहूं के निर्यात की बात करें तो इस साल अप्रैल से जून के दौरान निर्यात 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक अप्रैल से जून के दौरान देश से 1,03,516 टन गेहूं का एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 47,216 टन गेहूं का निर्यात हुआ था। गेहूं की उपज के मुकाबले इसके निर्यात की मात्रा भले ही कम हो, लेकिन देश से गेहूं का निर्यात बढ़ना भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। और बाजार की स्थिति के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गेहूं की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, मौजूदा हालात को देखते हुए क्या लग रहा है गेहूं के भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिला है। इसकी वजह यह है कि मांग सामान्य है, आवक अच्छी निकल कर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर उत्पादन की बात की जाए तो इस साल देश में एक रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। आने वाले समय में उत्पादन की संभावना को देखते हुए और मांग में हल्की नमी को देखते हुए बेशक कुछ दिनों तक गेहूं की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद इसकी कीमतों में मांग बढ़ने से फिर से अच्छी तेजी आने का अनुमान है। जी शिव जी, ऐसे में जो किसान हैं उन्हें क्या करना चाहिए, आप उन्हें इस वक्त क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बेशक उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग बढ़ने से इसमें अच्छी तेजी का रुख बनेगा। जी शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे। ग्वार गम के निर्यात में इस साल कमी देखी जा रही है और इसका असर ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। अप्रैल से जून के दौरान देश से ग्वार गम निर्यात में 48% से ज्यादा कमी दर्ज की गई है।
ग्वार सीड से निकलने वाले ग्वार गम के निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल ग्वार सीड का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की मानसा मंडी में भाव 3,775 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जो पिछले सोमवार को 3,820 रुपए था, और राजस्थान की जोधपुर मंडी में सोमवार को भाव 3,700 रुपए दर्ज किया गया, जो पिछले सोमवार 3,710 रुपए था। ग्वारगम के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2020 के दौरान देश से निर्यात 48% से ज्यादा घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून के दौरान सिर्फ 59,775 टन ग्वारगम का निर्यात हो पाया है, जबकि पिछले साल 116,005 टन का निर्यात हुआ था। हालांकि इस साल प्रमुख ग्वार सीड उत्पादक राज्य राजस्थान में ग्वार का रकबा पिछले साल के मुकाबले पिछड़ा हुआ दर्ज किया गया है, जिसका भी असर ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। आइए अब ग्वार सीड के बारे में भी जानकारी लेते हैं और बातचीत करते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, ग्वार की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बाजार के जो हाल है वो क्या बता रहे हैं? ग्वार सीड की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में कमी देखने को मिली। हालांकि पिछले दिनों कोरोना काल में निर्यात मांग में भी ग्वार गम के निर्यात मांग में भी काफी कमी देखने को मिली थी, जिसका सीधा असर यह हुआ कि स्टॉक काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आवक ज्यादा है। अगर आने वाले समय की बात की जाए तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक ग्वार सीड की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, और ऐसे में शिव जी, किसानों को आप क्या सलाह देंगे? इस वक्त जो ग्वार के किसान है उन्हें क्या करना चाहिए? जहां तक किसानों की बात है, मेरे विचार से किसानों को इंतजार करना चाहिए। हालांकि पिछले दिनों इसके डिमांड में कमी देखने को मिली थी, लेकिन अब धीरे धीरे दुनिया की अर्थव्यवस्था फिर पटरी पे लौटने लगी है। आने वाले समय में इसके निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जिन किसानों के पास ग्वार सीड का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में फिर से एक अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और लाल मिर्च की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे कैसा है लाल मिर्च और लहसुन का बाजार, लेकिन पहले बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली निर्यात में कमी दर्ज की गई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। अप्रैल से जून के दौरान मूंगफली निर्यात 21% से ज्यादा घटा है। मूंगफली के निर्यात में 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान गिरावट दर्ज की गई है और इसका असर बाजार में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 4,770 रुपए दर्ज किया गया, जो शनिवार को 5,080 रुपए था। जसदन मंडी में सोमवार को भाव शनिवार के स्तर 4,750 रुपए पर रहा, और तमिलनाडु की सेवूर मंडी में भी सोमवार को भाव शनिवार के स्तर 5,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
मूंगफली के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2020 के दौरान निर्यात में 21% से ज्यादा की गिरावट आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के मुताबिक अप्रैल से जून के दौरान देश से 83,825 टन मूंगफली का निर्यात हो पाया है, जबकि पिछले साल इस दौरान 106,854 टन मूंगफली का एक्सपोर्ट हो गया था। इस साल देश में खरीफ मूंगफली की खेती में भी जोरदार बढ़ोतरी हुई है और उसका भी असर मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। यहाँ तो ये रिपोर्ट आपने देखी और मूंगफली के बाजार की स्थिति पर आइए बातचीत करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव से जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, आने वाले समय में किस करवट बैठेगा मूंगफली का बाजार? मूंगफली की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है, मांग सामान्य है, आवक में कुछ कमी देखने को मिली है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए तो इस साल बुआई के रकबे में बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगभग 40% ज्यादा रकबे में मूंगफली की बुआई हुई है, जिसका सीधा असर हम इसके उत्पादन पर देखने को मिलेगा। आने वाले समय में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग बढ़ने से फिर इसकी कीमतों में तेजी आएगी। जी शिवजी, ऐसे में किसानों से क्या कहना चाहेंगे आप, उन्हें इस वक्त बाजार के हाल को देखते हुए क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उन्हें इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल शिवजी, आप हमारे साथ बने रहे। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे और नजर डाल लेते हैं सरसों के भाव पर। राजस्थान की बूंदी मंडी में सरसों का भाव रहा 4,841 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की खानपुर मंडी में भाव रहा 4,750 रुपए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 4,570 रुपए और मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में सरसों के सौदे 4,800 रुपए पर हुए। बात हुई सरसों की और अब जान लेते हैं बीते कारोबारी दिन लहसुन का भाव क्या रहा। गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 6,200 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मंडी में भाव रहा 9,000 रुपए, तो वहीं हरियाणा की शाहबाद मंडी में भाव रहा 8,500 रुपए, तो पंजाब की आदमपुर मंडी में इसके सौदे 8,000 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। मसालों में सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली लाल मिर्च की विदेशों में मांग लगातार बढ़ रही है और इसके निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। निर्यात में बढ़ोतरी की वजह से लाल मिर्च किसानों को लाभ मिल सकता है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान निर्यात हुए कुल मसालों में अकेले लाल मिर्च की हिस्सेदारी लगभग 41% है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 में निर्यात 3% से ज्यादा बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से 4,84,000 टन लाल मिर्च का एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 4,68,000 टन का निर्यात हुआ था। तो आइए लाल मिर्च के बाजार की स्थिति पर भी बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं बाजार के जानकार से। शिव जी, लाल मिर्च की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसके भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? लाल मिर्च की बात की जाए तो कीमतों में हालांकि अभी तेजी का रुख देखने को मिला है, लेकिन मांग में कमी देखने को मिली है, आवक में भी कमी है। जहां तक उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन इसकी पिछले साल से ज्यादा होने का अनुमान है, जिस कारण से हमने देखा है कि भाव में वो तेजी नहीं आ रही है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। आने वाले समय में कुछ दिनों तक लाल मिर्च की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का ही रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, जो लाल मिर्च के किसान हैं, उन्हें आप इस वक्त क्या सलाह देना चाहेंगे, इस जो स्थिति है बाजार की उसका लाभ वो किस तरह से ले सकते हैं? जिन किसानों के पास लाल मिर्च का स्टॉक है और उनका माल अच्छी भंडारण क्षमता में है, वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां निर्यात मांग में बढ़ोतरी की ज्यादा उम्मीद है, वहीं घरेलू मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जिन किसानों के पास अच्छी भंडारण क्षमता है, वो अभी स्टॉक कर सकते हैं। बिल्कुल शिव जी, आप बने रहे हमारे साथ और इसके साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैस्टर सीड चना और टमाटर का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। पचास साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल।
जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। देश में सबसे बड़े कैस्टर सीड उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल भी कैस्टर सीड की पिछले साल की तरह बंपर खेती हो रही है और इसका असर मंडियों में कैस्टर सीड के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में भाव इस तरह से है। एग मार्केट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की देगाम मंडी में भाव रहा 3,875 रुपए, जो शनिवार को 3,915 रुपए था, और मेहसाणा मंडी में सोमवार को भाव 3,900 रुपए दर्ज किया गया, जो शनिवार को 3,905 रुपए था। वहीं गुजरात में कैस्टर सीड की खेती की बात करें तो जैसे पिछले साल बंपर खेती हुई थी वैसे ही इस साल भी हो रही है। गुजरात कृषि विभाग के मुताबिक 24 अगस्त तक राज्य में 4,62,000 हेक्टेयर में फसल लग चुकी थी और पिछले साल भी इस अवधि तक इतनी ही खेती हुई थी। आइए अब बढ़ते हैं आगे और कैस्टर सीड की स्थिति के बारे में भी बात करें हमारे बाजार के जानकार से। शिव जी, कैस्टर सीड के बारे में क्या राय है आपकी, जो बाजार का हाल है वो क्या बता रहा है, भाव इसके आगे कैसे रहेंगे? अरंडी बीज के कीमतों की बात की जाए तो इसकी कीमतों में नरमी देखने को मिली है, मांग में कमी है। आवक की बात की जाए तो आवक सामान्य है और उत्पादन की बात की जाए तो इसकी उत्पादन में काफी बढ़ोतरी का अनुमान है। इस कारण से भी हमने देखा है कि इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिला है। बुआई के रकबे में भी हमने देखा है पिछले साल की तुलना में इस साल 9% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बेशक थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में मजबूती आएगी। जी बिल्कुल, तो ऐसे में जो कैस्टर सीड के किसान हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? इन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं निर्यात मांग में अरंडी तेल की भी डिमांड काफी बढ़ने की उम्मीद है। आने वाले समय में भाव बढ़ने से इसकी कीमतों में मजबूती का रुख दिखाई देगा। जी शिव जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें यहाँ पर दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन चने के भाव क्या रहे। मध्य प्रदेश की सागर मंडी में चने का भाव रहा 4,575 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुलाबगंज मंडी में भाव रहा 4,400 रुपए, तो राजस्थान की विजयनगर मंडी में इसके भाव रहे 4,338 रुपए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 5,140 रुपए। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं टमाटर के हाजिर भाव पर। हरियाणा की नारायणगढ़ मंडी में टमाटर का भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की भुंतर मंडी में टमाटर के सौदे 3,000 रुपए पर हुए, तो मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।